हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ 2 दिन पहले मैंने एक चर्चा की थी और मैंने कहा था कि इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो भी शेयर करेंगे। और टॉपिक था हमारा डेटा एनालिटिक्स। और डेटा एनालिटिक्स के अंदर एक प्योर कंपनी जो डेटा एनालिटिक्स बिजनेस के अंदर काम करती है, जिसका 95% रेवेन्यू USA से आता है, इंडिया बेस्ड कंपनी है, प्रमोटर IIT और IIM के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो हैं, और एक दिग्गज बिजनेस उन्होंने खड़ा किया। मुझे इस सेगमेंट के अंदर अपार संभावनाएं लग रही हैं। एक ऐसी कंपनी जिसका IPO अभी पिछले साल के दौरान आया, IPO प्राइस से शेयर का भाव अभी भी डबल से ज़्यादा है, लेकिन उनके बावजूद भी शेयर ऊपरी प्राइस से करेक्ट हुआ है। जैसे IT कंपनीज के मोस्टली शेयर्स में करेक्शन आई, उसी तरीके से इसमें भी करेक्शन आई। शेयर का नाम है लेटेंट व्यू लिमिटेड, और लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड जो है एक ऐसी कंपनी जिसने पिछले 7 साल के अंदर अपने रेवेन्यू 12 गुना कर दिए, यानी कि जो सेल है वो 12 गुना होगी। मान लीजिए आप 100 रुपये की सेल कर रहे थे तो 7 साल में 1200 रुपये की सेल कर दी। Fortune 30+ जो Fortune 500 कंपनीज हैं उनके साथ ये कंपनी काम करती हैं। तो Fortune 500 कंपनीज जो हैं उसमें से 30 से ज़्यादा इनकी जो है क्लाइंट्स हैं, 1050 से ज़्यादा लोग इनके साथ काम कर रहे हैं, और 2006 में ही ये कंपनी बनी, तो बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। लेकिन जितने भी डेटा एनालिटिक्स के अंदर जो अवार्ड है उनमें कहीं भी पीछे नहीं है, और फ्रोस्टर सविलियन में नंबर 1 की पोजीशन में 2017 में आए। ऐसी कंपनी जो 9 बार डिलोइट्स की Fast 50 टेक्नोलॉजी कंपनीज में 9 बार शुमार हो चुकी है लगातार, 85 कस्टमर्स रिपीट है, और ऐसी कंपनी टॉप टेक्नोलॉजी जो कंपनीज हैं, जो टॉप की 5 कंपनीज उनमें से 4 कंपनीज के साथ ये कंपनी काम करती है। तो जो टेक्नोलॉजी में 5 टॉप कंपनीज हैं उनमें से 4 इसकी क्लाइंट है, और जो अवार्ड्स हैं वो तो इनको मिल ही रहे हैं। डेटा एनालिटिक्स क्या होता है, इसको मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। जो एनालिसिस हैं वो हालांकि अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं, लेकिन इनके सेगमेंट में किस में काम कर रही है कंपनी, पहला है कस्टमर्स एनालिटिक्स। कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर्स की परसेप्शन, उसका लाइफ टाइम वैल्यू एनालिसिस, उम्र के किस पड़ाव में क्या चीज़ खरीदता है, क्या बेचता है, उसके अलावा क्या लॉयल्टीज़ होती हैं पर्टिकुलर ज्योग्राफीज़ के अंदर, अलग अलग ज्योग्राफीज़ के अंदर कस्टमर्स की। मार्केटिंग एनालिसिस, ब्रांड्स को किस तरीके से पोजीशंस करें, कैसे कैंपेन करें, ब्रांड्स की स्पेंडिंग किस तरीके से करें, स्पेशलाइजेशंस जो हैं उस सेगमेंट में, जो मार्केटिंग का स्पेशलाइजेशन है उसमें कंपनी काम कर रही है। सप्लाई चेन में, मैट्रिक्स के अंदर, डिमांड के अंदर, इन्वेंट्री ऑप्टिमाइजेशन में, सब सेगमेंट में काम कर रही है। फाइनेंस में यानी कि BFSI स्पेस में, और HR का एनालिटिक्स, यानी कि भाई बहुत सारी कंपनीज वजह से परेशान है कि लोग नौकरी बार बार छोड़ के जा रहे हैं, तो उनका एनालिसिस। और सबसे खास बात क्या है कि जो लीकेज है वर्किंग एनवायरनमेंट में, उसको के अंदर जहाँ पर भी मैन पावर यूज़ होती है, उस मैन पावर को टेक्नोलॉजी से रिप्लेस करने के अंदर इस तरीके की जो कंपनियाँ वो बहुत अच्छा जो है कर रही हैं। तो जहाँ पर मैन पावर को टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर आप चेंज कर रहे हैं, तो ये वास्तव में एक बिजनेस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डेटा एनालिटिक्स कंपनीज की हेल्प से ही होता है। तो इन सब के साथ ये जो कंपनी है उसका जो विज़न है, ट्रैक रिकॉर्ड है, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में है, ऑटोमेटेड एनोमली डिटेक्शन टूल जो है उसके अंदर है, इंटेलिजेंस की जो टूल्स हैं, और ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कि ये कंपनी अपने रिपीट कस्टमर्स हैं इनके पास, यानी कि सेम कस्टमर से बार बार काम आ रहा है। अब इनका सेगमेंट कहाँ काम करता है, अब सेगमेंट ये नहीं एक सेगमेंट है, देखिएगा जो भी एनालिटिक्स का धंधा है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत टेक्नोलॉजी कंपनीज़ को ही होती है, क्योंकि हर टेक्नोलॉजी कंपनी को अपने जो भी मॉडलिंग जिसके लिए भी उन्होंने तैयार की है वो किसके लिए काम करेगी, कैसे काम करेगी, डेटा जो है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। अब उस डेटा के ऊपर एनालिटिक्स जो है वो टेक्नोलॉजी कंपनी यूज़ करती हैं बेहतरीन, और इनके मोस्टली जो टेक्नोलॉजी कंपनी, जैसे मैंने बताया टॉप 5 में से 4 कंपनी है इनकी टेक्नोलॉजी के अंदर इनकी जो सर्विसेज हैं लेती हैं, और 69% सेल इनके पास टेक्नोलॉजी कंपनी से ही आती है। और इसलिए जो है बाजार जब NASDAQ में गिरावट होती है, US में रिसेशन की बात होती है, तो इस तरीके की कंपनी में गिरावट के मौके मिलते हैं। और मुझे लगता है
कि हालांकि ये कंपनी ग्रोथ के मामले में तो मैं बात करूंगा थोड़ी सी वैल्यूशन वाइज आपको महंगी लग सकती है, बट मुझे लगता है कि जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसको देखते हुए महंगी नहीं है। हालांकि मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी ये शेयर सबसे महंगी वैल्यूशन वाला है। इंडस्ट्रियल के मामले में अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल जो है 11.3 कस्टमर्स हैं क्लाइंट्स, और CPG यानी कि जो कस्टमर पैकेजिंग गुड्स हैं CPG यानी कि जैसे आप FMCG प्रोडक्ट्स यानी कि जो पैक होके आते हैं घर पे, यानी कि रिटेल सेगमेंट हो गया, आप मोस्टली समझ लीजिएगा जो बिजली का सामान है, खाने पीने का सामान है जो पैक में आता है, तो CPG मतलब जो कंज्यूमर पैकिंग गुड्स हैं CPG का मतलब आपको बता रहा हूँ, और रिटेल जो है ये सेगमेंट 11.3, और बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस जो है 8.5। तो सभी सेगमेंट में काम कर रही है, बट टेक्नोलॉजी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम कर रही है। अडोब जो है इनका मेन क्लाइंट है, उबर जो है इनका मेन क्लाइंट है, इसके अलावा US की जो सॉफ्टवेयर कंपनी है वो इनका क्लाइंट है, लेकिन नाम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन अगर आप बाकी रिपोर्ट पढ़ोगे तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट है वो कंपनी का नाम मैं आपको बता रहा हूँ। US की होम अप्लाइंसेज मैन्युफैक्चरर्स हैं, यूरोपियन लग्जरी कार्स हैं, लीडिंग होम अप्लाइंसेज हैं, तो इस तरीके की कंपनी है। कॉस्मेटिक्स कंपनी है, लीडिंग स्नैक्स कंपनी है, रिटेल प्लेयर है 7-Eleven, और लीडिंग पेमेंट सॉल्यूशंस हैं, सब इनके पास जो है क्लाइंट है। अब बिजनेस के अंदर देखिएगा स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी का मतलब होता है कि क्या बिजनेस को बड़ा किया जा सकता है, कि भाई बिजनेस तो अच्छा है लेकिन उसको बड़े पैमाने पर लेके जाया जा सकता है, तो वो इनकी ग्रोथ के डेटा से आपको समझ में आएगा। अगर हम इनके रेवेन्यूज़ की बात करें, तो ऑपरेटिंग जो रेवेन्यूज़ हैं वो मिलियंस में, तो मैं करोड़्स में कन्वर्ट करके आपको बताऊंगा। 2019 में ये 287 करोड़ की सेल करते थे, 20 में 310 करोड़ की सेल हो गई, 21 के अंदर 305 करोड़ की, ये थोड़ा कोविड वाला पीरियड था आपको पता होना चाहिए, फिर 407 करोड़ की सेल, और अभी तक आधा साल हुआ है और 252 करोड़ की सेल ये कर चुके, तो उम्मीद करके चलिएगा ये 500 करोड़ से ऊपर की सेल करेंगे। तो सेल में 20% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर है, और प्रॉफिट में जो ग्रोथ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10% की है, तो बेहतरीन जो है ग्रोथ इनके पास है। इसके साथ साथ अगर हम इनके फिगर्स देखें, पिछले साल से ऑपरेटिंग रेवेन्यू देखें एक साल में कितना चेंज हुआ, तो पिछले साल के मुकाबले में अभी फाइनेंशियल ईयर के अंदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज के अंदर जो चेंज है वो है 39%, यानी कि एक ही क्वार्टर में 132 करोड़ की सेल हुई है, जो पिछली बार 94 करोड़ की सेल थी, तो 39% की सेल है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 10% की है। ईबिटा मार्जिन में अगर हम देखें तो ईबिटा जो मार्जिन हैं वो कितने थे, 27.9% थे पिछले साल, इस बार 28.2 है, और मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट पैट मार्जिन में, तो पैट मार्जिन जो है 26.4% है, पिछले क्वार्टर में 24.3 थी, और पिछले साल सिमिलर क्वार्टर के अंदर 22% था, तो इस बार जो मार्जिन है उसमें थोड़ा सा टैक्स का बेनिफिट है, उस वजह से आपको थोड़ा सा ज़्यादा भी लग रहा होगा। और पैट के मार्जिन से ईयर ऑन ईयर पूरे साल के अगर 6 महीने के अगर देखें तो 25% का पैट मार्जिन। अरे यार आप एक बात बताइए, कोई ऐसा धंधा मिलेगा जहाँ पर 20% से ऊपर का सब टैक्स वैक्स सब खर्चा काट के मार्जिन आ रहा हो? तो मुझे इसके जो मार्जिन हैं वो बहुत बेहतरीन है, और सबसे खास बात लग रही है कि ग्रोथ कर रही है हर क्वार्टर में, और ईबिटा की ग्रोथ करें अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर पैट की ग्रोथ भी देखें तो 18.4% है, बट मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म बेसिस पे ये 18 तो नहीं होगी, बट 10% क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है ये ग्रोथ जो है कंपनी डिलीवर करेगी, ऐसा जो है मुझे लगता है। और यहाँ लेकिन मैनेजमेंट की भी कमेंट्री इसी तरीके की है, हालांकि मैनेजमेंट थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, मैं लेकिन 10% लेता हूँ। और मान लीजिएगा अगर अभी की EPS की अगर हम बात करें, तो अभी की जो EPS आ रही है इस कंपनी की वो आपके साथ शेयर करता हूँ, तो इस कंपनी की EPS आ रही है एक क्वार्टर की 1.80 रुपये डाइल्यूटेड बेसिस पे इस क्वार्टर में जो आई है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हर बार देखिएगा इन्होंने तो पिछले साल से तो 49% बढ़ाई है 50%, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखिए तो 18%, बट मैं ये मान रहा हूँ कि 10% तो बढ़ेगी, 18 नहीं भी बढ़ेगी तो, और अगर 10% भी अगर ये बढ़ती है, और मतलब मान लीजिएगा अगर एक चीज़ 10% बढ़ती है तो वो 12 क्वार्टर के बाद यानी कि 3 साल बाद, यानी कि 3 साल के बाद उसकी जो वैल्यू बनती है आज का 1.80 रुपये वो EPS में कन्वर्ट होता है एक क्वार्टर की 5.65। तो कैलकुलेशन है, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो मैंने आपके साथ की है, ये अगर 1 रुपये को 10% की ग्रोथ आए और 12 क्वार्टर तक आए तो उसकी वैल्यू बनती है 3.1384, उसको 1.80 रुपये की जो EPS आ रही है उससे अगर मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आती है 5.65, और पूरे साल की हम उम्मीद करते हैं 22.6, यानी कि मोटा मोटा 23 रुपये की EPS ये कंपनी आज से 3 साल बाद रिपोर्ट करती हुई नज़र आएगी
फुल ईयर बेसिस पे। और इस तरीके की ग्रोथ कंपनी तो 60 की पी पर तब भी आपको मिलती हुई कम से कम नज़र आनी चाहिए, जिस तरीके से अभी वैल्यूशन है। और मान लीजिए उस कंडीशन में 60 की पी पर ये शेयर मिलता है तो अभी भी आज के भाव के हिसाब से मैं तो लीस्ट मैंने कैलकुलेशन दिया 1260 का भाव होना चाहिए। तो अगले 3 साल के अंदर जो शेयर अभी 400 का चल रहा है, अगर अगले 3 साल में डबल हो जाए, और मैं तो देखिएगा जिस तरीके की ग्रोथ है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करने की कोशिश की, 1260 रुपये का भाव निकल के आ रहा है 3 साल बाद, बस बशर्ते कि ये ग्रोथ रहे। अब ग्रोथ के लिए क्या जाना पड़ेगा कि क्या इस बिजनेस सेगमेंट में ग्रोथ है, आंसर इज यस। क्या कंपनी के अंदर पोटेंशियल है स्केलेबिलिटी का, आंसर इज यस। क्या मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है, अगर आप YouTube के ऊपर इनकी वीडियोस देखेंगे मैनेजमेंट के तो कॉन्फिडेंस लेवल आपको अलग ही नजर आएगा। चाहे आप इनके क्वार्टरली रिजल्ट से रिलेटेड YouTube के वीडियोस देखिएगा, या जब इनका IPO आया था उस समय जो मैनेजमेंट की कमेंट्री थी उनको सुनिएगा, जो फाइनेंशियल्स है उसमें जो ग्रोथ नज़र आ रही है उन सब पैरामीटर्स के ऊपर अभी तो देखिएगा बहुत अच्छी लग रही है। और मुझे लगता है कि इस तरीके की कंपनी का बिजनेस है, अभी कोई रिसेशन वाली सिचुएशन नहीं है इस सेगमेंट के अंदर, और इवन रिसेशन के अंदर तो इनका काम और बढ़ जाता है, क्योंकि जब ग्राहक नहीं आते तो भाई साहब बिजनेसमैन हाथ पैर मारता है, भाई मेरे को ग्राहक चाहिए, तो उस समय पर डेटा एनालिटिक्स का जो धंधा है वो और फलता फूलता है बजाय के कमज़ोर होने के। तो मुझे लगता है कि रिसेशन वाली सिचुएशन में भी ये कंपनी अच्छी करेगी अगर US में रिसेशन आती है, और इसीलिए मैंने 18% की ग्रोथ को 10% में कन्वर्ट कर दिया कि भाई लॉन्गर टर्म के अंदर सस्टेनेबिलिटी 18% की नहीं होगी, क्वार्टर टू क्वार्टर मैं 10% ही उम्मीद कर रहा हूँ। तो उन सब के बावजूद कंपनी का जो बिजनेस है वो कस्टमर एनालिटिक्स, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, फाइनेंशियल, ये मैं आपके साथ पीछे बात भी कर चुका हूँ। तो देखिएगा इनका जो एनालिटिक्स का है, जो बाजार जो कर रहा है वो कह रहा है कस्टमर एनालिटिक्स का जो CAGR है वो 20 से 24 में 26% साल दर साल बढ़ेगा, मार्केटिंग में बढ़ेगा 19%, ये मार्केट रिपोर्ट्स हैं, कंपनी ने उनका जो है हवाला भी दिया हुआ है। उसके अलावा सप्लाई चेन के अंदर 28%, फाइनेंशियल रिस्क में 22%, HR में 24%, मोटा मोटा आप निकाल के आएंगे तो 22 से 24% की ग्रोथ होनी है। और कंपनी की मैनेजमेंट कहती है कि हम 30% के आसपास करेंगे, हम मार्केट में जो एक्सपेक्टेशन है उसको बीट करेंगे। तो हम ये मान के चले कि 30% करेंगे या 25% भी करेंगे, तो 25% अगर रेवेन्यू में ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिकली हर 1.5 साल बाद ये कंपनी अपने प्रॉफिट को डबल करने का दम रखती है। तो जिसकी वजह से मुझे ये ग्रोथ कंपनी जो पसंद है, और सबसे खास बात है कि जिस बिज़नेस सेगमेंट के अंदर, इस बिज़नेस सेगमेंट में डिमांड बहुत अच्छी है, और इसीलिए ये जो कंपनी है ये मुझे पसंद है। और जो आज की डेट में नई नई इनोवेशंस हैं, या वो चैटबॉट है या जो बाकी सॉल्यूशंस हैं, उन सब के ऊपर ये कंपनी काम कर रही है। मैनेजमेंट दमदार है, और मैनेजमेंट के कॉरपोरेट गवर्नेंस को इस तरीके से देख सकते हैं, जब इन्होंने IPO की ड्राफ्टिंग की थी ना कंपनी पर कोई केस था, न कंपनी के प्रमोटर पर कोई केस था, न इनके रिश्तेदारों पर कोई केस था। तो मतलब एक क्लीन बैलेंस शीट तो है ही, लेकिन साथ में प्रमोटर का रिकॉर्ड भी क्लीन है। लेकिन देखिएगा इस बात की गारंटी नहीं कि आगे कोई केस होंगे नहीं होंगे। देखिएगा टैक्स रिलेटेड एक डिस्प्यूट था, वो भी एडवांस टैक्स से या TDS से रिलेटेड था, बाकी कुछ खास था नहीं। इनके जब हमने IPO का भी एनालिसिस आपके साथ किया था, और तभी से देखिएगा मैंने इस पर अपना पॉजिटिव रुख बनाया था, हालांकि IPO बहुत जबरदस्त तरीके से सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो 400 रुपये का भाव इस शेयर का है, 400 रुपीज़ का जो भाव है अभी इस शेयर का, और वो मुझे लगता है कि रीज़नेबली वैल्यूड है, और यहाँ पर भी खरीदने की अच्छी संभावना है। लेकिन मैं फिर बोलूँगा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा, तभी निवेश करिएगा। लॉन्ग टर्म के अंदर निवेश करेंगे तभी पैसे बनने के चांसेस हैं इसमें। शॉर्ट टर्म के जो स्विंग्स हैं, यहाँ से 10-20-30 रुपये ऊपर या नीचे होता है, ये जो मार्केट कंडीशन में होता है, वो ज़्यादा आपको प्रभावित करता है। बट अगर वेल्थ क्रिएट करनी है, ये केवल और केवल इन्वेस्टिंग स्टॉक है, मुझे ये ट्रेडिंग स्टॉक बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और अगर ये कंपनी जैसा प्रिडिक्ट कर रही है, जिस तरीके से मैनेजमेंट की कमेंट्री है, वैसा अगर करती हुई नज़र आई, तो जो भाव मैंने आपके साथ कैलकुलेट किया वो 1200-1300 रुपये के भाव, वो प्रूडेंस बेसिस पे है, यानी कि मैंने कंजर्वेटिज्म जो है फॉलो किया, यानी कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली कैलकुलेट नहीं किया। और अगर एग्रेसिवली कैलकुलेट करता तो वो शेयर 1600-1700 रुपये का भाव भी आता। बट ध्यान रखिएगा, स्टॉक मार्केट रिस्क से भरा हुआ है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भाई सब कुछ ठीक ही होगा, कंपनी के सामने भी चैलेंजेस आएंगे। बट उन सब के बीच हमने जो है एक ऑप्टिमिस्टिक जो है विचार जो है रखे हैं, और जो ग्रोथ है वो हमने कोई ऐसा नहीं है ओवर एक्साइटमेंट में बहुत ज़्यादा ले लिए, नहीं, हमने एक नॉर्मल ग्रोथ लेने की कोशिश की, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन किया। फिर भी मैं आपको बोलूँगा भाई, ये केवल और केवल एजुकेशनल वीडियो है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए,
निवेश करने से पहले उनसे सलाह लीजिए, उनकी उसके हिसाब से आप करिए, अपने विवेक का यूज़ करिए, और स्टॉक मार्केट जोखिम से भरा हुआ है, इस बात को आप समझिएगा। मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट इस कंपनी में है, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में और मेरे फैमिली मेम्बर्स के पर्सनल पोर्टफोलियो में शेयर है। मैं ये कहूँ कि हो सकता है नहीं, मेरे पास है, और अभी रिजल्ट के बाद भी ये शेयर हमने और एक्युमुलेट किया है, और आज जो भाव है उसी के आसपास के प्राइस हैं, 5-7 रुपये ऊपर नीचे आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो कंपनी है मुझे पसंद है, और आपको ये व्यू कैसे लगे, ये एनालिसिस कैसा लगा, ज़रूर से ज़रूर मुझे बताइएगा। और कंपनी अपने सेगमेंट के अंदर अच्छा कर रही है, और जैसा कि मैंने आपको बोला कि मैनेजमेंट जो कह रही है कि भाई देखिएगा 20% की ग्रोथ होनी है, और हम उससे ज़्यादा में जो है ग्रोथ करने की जो है कैपेबिलिटीज़ भी है, और हम जो है पूरा स्केलेबिलिटी के साथ उसको करने का दम भी रखते हैं, और हम करेंगे भी। अब देखते हैं कि ये कंपनी जैसा करेगी उसके हिसाब से हमारे शेयर का प्राइस भी जो है इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आएगा। ग्रोथ है इस सेगमेंट में, और मुझे लगता है कि पोटेंशियल, और मोस्टली जो कंपनी है ना, अगर मैं थोड़ा सा आम बोलचाल की भाषा में बात करूँ तो भैया इसको क्लाइंट ही यूएस के चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इनको मिलते हैं अच्छे मार्जिन्स। ये 95% रेवेन्यू वहीं से आता है, 2% यूरोप से आता है, और बाकी पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। ग्रोथ की सीन ये है कि ये भाई साहब सस्ते वाला ग्राहक ही नहीं चाहिए इनको, ये टॉप मोस्ट कंपनी को रखते हैं, जहाँ से मोटे पैसे आएँ, अच्छे पैसे आएँ, अच्छी सर्विसेज दें। तो ये जनरली फोकस जो है ऐसे मार्केटों को कर रहे हैं जहाँ पर कि हाई मार्जिन्स रहें और रेवेन्यूज़ के जो लेवल्स हैं वो बढ़ते रहें लगातार, और उन सब पैरामीटर्स के साथ साथ आगे चल के हमें लगता है कि भाई इंडिया की मार्केट में भी डाटा एनालिटिक्स काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकता है। लेकिन एक स्पेशलाइज डाटा एनालिटिक्स कंपनी जो मैंने आपके साथ शेयर किया, उस कंपनी का नाम है लेटेंट व्यू। आप स्क्रीन पर शायद बहुत जगह लिखा नहीं है, लेकिन कंपनी का नाम जैसे स्क्रीन पर तो है, और लेटेंट व्यू जो है मुझे पर्सनली फंडामेंटली एक साउंड कंपनी लग रही है। बस रिस्क ही है, नई कंपनी है अभी, और वो रिस्क तो देखिएगा रहेगा, और शेयर बाज़ार है जोखिम से तो भरा हुआ है, बिना जोखिमों के तो कुछ होता ही नहीं। अगर जोखिम वाली कैपिटल लेनी है तो भाई जोखिम वाले रिटर्न्स भी आएंगे, नहीं तो भैया बैंक एफडी तो रखी है, या जो डेट फंड्स हैं या लिक्विड फंड्स हैं वहाँ पर निवेश करिए, और 6-7% में एंजॉय करिए। और बड़ा पैसा बनाने की चाह है तो भाई बड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा, और बड़ा रिस्क ऐसी कंपनी के साथ लें जहाँ पे आप रिस्क को अपने को मिनिमाइज़ कर लें, ऐसी कंपनी जहाँ पर कि रिस्क आपके सामने कम हो और रिवार्ड की संभावना ज़्यादा हो। तो उसी कैटेगरी के अंदर जो है ये मैंने कंपनी जो है आपके साथ डिस्कस की है। आपको ये पूरा एनालिसिस कैसा लगा, ये व्यू कैसे लगे, जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।